सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्टली वी विल नो व्हाट इज माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या एंड व्हाई वी नीड स्टडी फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स सेपरेटली। ओके, हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ क्यों नहीं पढ़ सकते? ठीक है, इससे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है। ओके, बेसिकली यू नो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एक्सप्लेन्स और कंसर्न्ड अबाउट कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेसेस। वैसे यहाँ तक तो दोनों ही बातें सही हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिकल प्रोसेसेस एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द सेम। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो है, इट इन्वॉल्व्स द एग्रीगेट्स। ओके, एग्रीगेट्स इन्वॉल्विंग एग्रीगेट्स, नॉट इंडिविजुअली एग्रीगेट्स। जैसे कि हम एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा समझ में आए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं किसी एक फर्म में क्या चल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ फर्म, मान लीजिए कोई फर्म है, उसमें प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या गुड्स, सर्विसेज, व्हाट एल्स इट प्रोवाइड्स। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? देर आर फर्म्स, नॉट फर्म, देर आर फर्म्स, और अकॉर्डिंग टू दिम वी डिफाइन सम डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट थ्योरीज। ओके, क्योंकि जो एक फर्म के लिए ट्रू है, इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर डिफरेंट फर्म्स टेकन टुगेदर। ठीक है, मान लीजिए फर्म वन है, F1, F2, F3, F4, जब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, दैट इज़ वेरी ओके, इट इज़ वेरी गुड टू स्टडी। ठीक है, इसमें डिमांड सप्लाई का क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए इस फर्म में, दैट इज़ ओके। लेकिन जब हम इन सभी को एक साथ पढ़ेंगे, दैट इज़ इन एग्रीगेटेड वे। सो हम एग्रीगेटेड वे में यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई डिफाइन करेंगे। ठीक है, जो कि हो सकता है कि इंडिविजुअल फॉर्म में जो हो रहा है और जो एग्रीगेटेड वे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, फिर टुगेदर टेकिंग ऑल द फॉर्म्स टुगेदर, इट माइट नॉट बी ट्रू। ओके, तो एक लाइन और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमको लिखनी चाहिए कि वट एवर दैट इज ट्रू फॉर, दैट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ओके, हियर इंडिविजुअल कैन बी अ फर्म, कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, ओके, हू एवर दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी। ओके, वट एवर दैट इज ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, मे नॉट बी ट्रू फॉर द होल इकोनॉमी, फॉर होल इकोनॉमी। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक, या एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल किसी भी इकोनॉमी में, सो ही माइट बी अर्निंग समथिंग, या इनकम आनी चाहिए ना उसकी, इनकम। ठीक है, सो इनकम जब है, ठीक है, सपोज ही अर्न्स 10K, दैट इज नॉट 10K, आई एम सेइंग 10,000, ओके, रुपीज़। ठीक है ना, तो जब इनकम है तो फिर सेविंग भी होगी, सेविंग एज वेल एज द कंजम्पशन ऑल्सो। ठीक है,
जब कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है तो वो कुछ कंजम्पशन भी करेगा, कंज्यूम करेगा, इन व्हाट वे, इन गुड्स, इन सर्विसेज, राइट, और टैक्स, दे आर डिफरेंट कंजम्पशन वेज, एंड सम ऑफ द इनकम माइट बी सेव्ड, दैट इज सेविंग. ओके, सो यहाँ पे इंडिविजुअली सेविंग एक अच्छी बात है, बिल्कुल है, कंजम्पशन भी ठीक है, ठीक है, वो अपने हिसाब से कंजम्पशन कर सकता है. बट नाउ सपोज एट बिगर लेवल, ओके, एट नेशनल लेवल से, नेशनल लेवल या फिर होल इकोनॉमी में, होल इकोनॉमी टेकन टुगेदर, इकोनॉमी टेकन टुगेदर, क्या वहां पे सेविंग और कंजम्पशन का मतलब सेम होगा? नहीं होगा. ठीक, आप सोच के देखिए, मान लीजिए कि ये व्यक्ति ज्यादा सेव करता है, ठीक है, सेव्स मोर, सेव्स मोर. अब जब ज्यादा सेव करेगा तो क्या होगा? कॉन्सिक्वेंटली कंजम्पशन विल बी लेस. ओके, इफ एस इज मोर, हियर सी विल डिक्रीज हियर एट इंडिविजुअल लेवल. ओके, and suppose all individuals start saving so that they have more money in their bank accounts, what will happen in the whole economy? Consumption will decline. Okay, and due to declination in consumption, what will happen? GDP will decrease. I hope you know something about GDP. okay, however we'll discuss it in very detail. Okay, GDP will decrease and hence the economy will not grow. This is what we have to understand. Economical growth will decrease. Economical growth, yeah, economy will decline. Okay, economical growth will also decline. So, देख रहे हैं ना आप क्या चीज कहां से connected है? ये consumption aggregate है, ठीक है, individual consumption नहीं है, this is aggregate. ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है. सेम चीज प्रॉफिट में है. अगर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, ऐसा एक वेज कट वाला भी एग्जांपल है, ठीक है, कि एक फर्म में प्रॉफिट के लिए, ठीक है, हम वेज कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वेज कट कर देते हैं भाई, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, कम वेज देंगे, तो इससे होगा क्या? जिनको हम वेज दे रहे हैं ना, लेबर्स, दे विल कंज्यूम लेस. Household workers will consume less. ठीक है ना? So household consumption कम होगा तो क्या होगा? Profit आपका बढ़ना चाहिए क्या? नहीं बढ़ेगा. You are doing the wrong thing. ठीक है? That is a paradox. इसको हम बोलते हैं wage cut paradox. Wage cut paradox. ठीक है? और जो ऊपर हमने पढ़ा, that is saving paradox. Saving paradox. ठीक है, सो और भी पैराडॉक्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं.